दाऊद को इसराइल का बादशाह मसा किया गया। हमारे लिए आज की पहली तलावत सैमुएल नबी की किताब उसका 16 बाब पहली फिर 6-7 और फिर 10वीं से 13वीं आयात तक। उन दिनों में खुदावन ने सैमुएल से कहा, तू अपना सींग तेल से भर और आ कि मैं तुझे बैतलहम के यस्सी के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक को अपने लिए बादशाह ठहराया है। तब सैमुएल ने खुदावन के हुक्म के मुताबिक किया और बैतलहम में आया और उसने यस्सी और उसके बेटों को पाक किया और उन्हें कुर्बानी पर बुलाया। जब वो आए और उसने एलीआब को देखा तो अपने दिल में कहा, यकीनन खुदावन का ममसू उसके सामने आया। पर खुदावन ने सैमुएल से कहा कि तू उसकी शक्ल और उसके कद की लंबाई का लिहाज ना कर, क्योंकि मैंने उसको नापसंद किया। मैं इंसान की शक्ल के मुताबिक फ़ैसला नहीं करता हूँ, इसलिए कि इंसान उन चीज़ों को देखता है जो नज़र आती हैं, लेकिन खुदावन दिल की तरफ देखता है। तो यस्सी ने अपने 7 बेटों को सैमुएल के सामने पेश किया। तो सैमुएल ने कहा, इनमें से खुदावन ने किसी को पसंद नहीं किया। फिर सैमुएल ने यस्सी से कहा, क्या तेरे सब बेटे यही हैं? तो उसने कहा कि सबसे छोटा बाकी है और वो भेड़ बकरियां चराता है। तो सैमुएल ने यस्सी से कहा, आदमी भेज के उसको हमारे पास लाएं, क्योंकि हम दस्तरखान पर ना बैठेंगे जब तक वो यहाँ पर ना आ जाए। तब उसने बुला भेजा और वो उसको लाया, और वो सुर्ख रंग, खुश चश्म और देखने में अच्छा था। तो खुदावन ने कहा, उठ उसको मसा कर, क्योंकि ये वही है। तब सैमुएल ने तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के दरमियान उसको मसा किया। तो दिन से आगे को रूहे खुदावन का दाऊद पर नजूल हुआ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। जमायती जवाब, खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कोई कमी नहीं। खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कोई कमी नहीं। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत की नदियों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। जमायती जवाब, खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कोई कमी नहीं। वो मुझे अपने नाम की खातिर सीधी राहों पर ले चलता है। अगरचे मैं तारीकी की वादी में गुजरूं, मैं किसी आफत से ना डरूंगा। तेरा अस्सा और तेरी लाठी ये मेरी तसल्ली का बाइस हैं। जमायती जवाब, खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कोई कमी नहीं। तू मेरे मुखालिफों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तू मेरे सर को तेल से मलता है, मेरा जाम लबरेज होता है। जमायती जवाब, खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कोई कमी नहीं। मेरी ज़िंदगी के तमाम आयाम में भलाई और करम मेरे साथ होंगे और ज़मानों की दराजी तक मैं खुदावन के घर में रहूँगा। जमायती जवाब, खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कोई कमी नहीं। मुर्दों में से उठ तो मसीह तुझ पर रोशन होगा। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इफिसियों के नाम उसका 5:8-14 आयात। ऐ भाइयों, तुम पेशतर तारीकी में थे, मगर अब खुदा में नूर हो।
तुम नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की खूबी और रास्तबाजी और सच्चाई में है। और मालूम करते जाओ कि खुदावंद को क्या मंजूर है, और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि पेशतर उन पर मलामत ही किया करो, क्योंकि उनके पोशीदा कामों का जिक्र भी करना शर्मनाक बात है। और सब बातें जो मलामत के लायक हैं नूर से जाहिर होती हैं, क्योंकि नूर सब कुछ जाहिर करता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो।